हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीबीएसई का एक बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर आया है रिवैल्यूएशन के लिए। सीबीएसई रिवैल्यूएशन 2024 का सर्कुलर आ चुका है। सीबीएसई आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रही है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सर्कुलर डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट आप सर्च करेंगे, मेन वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले सर्कुलर आपके सामने, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। वेरिफिकेशन मार्क्स कैसे कराना है, रिवैल्यूएशन कैसे करानी है, रीचेकिंग कैसे करानी है, सब कुछ की डेट सीबीएसई ऑलरेडी बता चुका है आपको। चलो सर्कुलर दिखा दूँ आप लोगों को। ये सीबीएसई का सर्कुलर है जो आया हुआ है सीबीएसई से, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं आपको पहले मैंशन कर दूँ, सीबीएसई ने पहले क्या दिया है, डेट जाने के बाद किसी का भी रिक्वेस्ट वेलकम नहीं करा जाएगा। तो वीडियो को प्लीज सेव कर लेना, क्योंकि रिवैल्यूएशन से रिलेटिंग हर एक स्टेप आपको सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 क्लासेस बहुत डिटेल मैनर में बताएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेगा कैसे आप रिवैल्यूएशन के थ्रू अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके मार्क्स का इंश्योरेंस दें। आई रिपीट, आपको आपके मार्क्स का इंश्योरेंस मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपके मार्क्स को बढ़ाया जा सके, तो हम आपको दे रहे हैं मार्क्स का इंश्योरेंस। चलिए बता दूं आपको, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सीबीएसई ऑलरेडी बता चुका है कि 20 तारीख के बाद, 20 मई के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। एक्सपेक्टेड डेट रहेगी 22 मई एंड 24 मई। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं 22 और 24, इन दो तारीख में से एक आपका रिजल्ट हो सकता है। चलिए, रिजल्ट आते ही 4 दिन के बाद आपका वेरिफिकेशन और मार्क्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मैं आपको बैक टू बैक गाइड करता रहूंगा कैसे आप वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4 दिन के बाद, 4th डे से लेकर 8th डे तक, पूरे 5 दिन चलेंगे आपका वेरिफिकेशन और मार्क्स का प्रोसेस। आप वेरीफाई करा सकते हैं। वेरिफिकेशन और मार्क्स के लिए आपको पूरे 500 रुपये देने पड़ते हैं सीबीएसई को। आई रिपीट, 500 रुपये आपको देने पड़ते हैं सीबीएसई को, 500 रुपीज। वेरिफिकेशन मार्क्स में सीबीएसई केजिंग चेक करता है और कुछ चेक नहीं करता, बस इस बात को चेक करता है कि जो अंदर के मार्क्स और जो बाहर के मार्क्स हैं वो सही हैं या नहीं है। सिर्फ मार्क्स टैली करेगा, मार्क्स सही मिले हैं या नहीं मिले ये नहीं देखता। आई रिपीट, ओनली बाहर केजिंग के मार्क्स और इनसाइड शीट के जो मार्क्स उसको चेक करेगा, ठीक है या नहीं, बस। 4 वाले क्वेश्चन में 2 नंबर क्यों दिए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है ना, ये किसी भी क्लैरिकल डिपार्टमेंट वाले इंसान से कराया जाता है। क्लर्क को कहेंगे कि बेटा देख लो जरा शीट के अंदर के मार्क्स और बाहर के मार्क्स ठीक है या नहीं है, सेम है या नहीं है, बस, दैट्स इट। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसके सीबीएसई आपसे पूरे 500 रुपये लेगा। 1000 में से 1 बच्चे की शीट में एरर मिलता है, सिर्फ 1 बच्चे की शीट में। लेकिन ये प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि आपने ये प्रोसेस नहीं करा तो आप स्टेप 2 पर नहीं आ सकते। विदाउट डूइंग दिस स्टेप यू कांट गो टू स्टेप 2। आप डायरेक्टली स्टेप 2 नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्टली सेकंड स्टेप नहीं ले सकते, पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ये पहले स्टेप का रिजल्ट आपका, ऑब्वियसली बात है, ये आपका 8th और 19th डे, मतलब लगभग 10 से 11 दिन के अंदर आपको सीबीएसई अपडेट कर देगा। हम पूरे स्टेप में, पूरे के पूरे स्टेप, एक एक स्टेप में आपको पूरा गाइड करेंगे और ये पूरी प्रोसेस आप हमारे साथ करा सकते हैं। हम आपको बेस्ट से बेस्ट इवैल्यूएटर्स और बेस्ट से बेस्ट टीम देंगे जो कि आपके हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपने वेरिफिकेशन करा लिया, 99% चांस है मार्क्स में चेंज नहीं आएगा। हिम्मत नहीं आने बिल्कुल, जस्ट गो फॉर द सेकंड स्टेप, जिसका नाम है आंसर शीट मंगाओ बोर्ड से कि भाई दिखा हमारी आंसर शीट, हमें दिखाओ कि हमारी आंसर शीट में गलती है, हम देखेंगे, ठीक है। सो बीइंग अ गुड इवैल्यूएटर यू कैन ऑल्सो जज योर नोटबुक। आप जज कर सकते हैं अपनी नोटबुक को कि आपने क्या गलती करी है, जहां आपने गलती करी है सच में आपकी गलती है या जबरदस्ती एग्जामिनर ने आपके मार्क्स काट रखे हैं विदाउट एनी सेंस। हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, बहुत एरर आ रहे हैं सीबीएसई की आंसर शीट में। हम पिछले 2-3 साल से सीबीएसई की आंसर शीट को रिवैल्यूएट करा रहे हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, और आप पिछले हमारी वीडियोस देखेंगे कमेंट सेक्शन में जाके तो उसके इतने सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम उसमें हर वीडियो पे 200-250-300 कमेंट हैं जिसमें बच्चों के मार्क्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि सर मेरे 5 मार्क्स बढ़े, मेरे 10 मार्क्स बढ़े, मेरे 20 मार्क्स बढ़े। हाईएस्ट 17-18 मार्क्स तक बच्चों के बढ़े हैं, ऑब्वियसली बात है, ये हमने खुद भी ऑब्वियसली बात है नोट भी करा है और बढ़वाए भी हैं बच्चों के मार्क्स। तो हाईएस्ट 17 तक नोट हुआ है और एक बच्चे के एरर वेरिफिकेशन में आया था, उसके 59 से अराउंड 95 मार्क्स हुए थे, क्योंकि एरर नंबर का एरर हो गया था, 59 मार्क्स चढ़ गए थे जबकि उसके 95 थे। तो बकायदा इसकी वीडियो भी है, ठीक है। सो सेकंड वाला आप आंसर शीट मंगा लो सीबीएसई से, उसके बाद आपके पास आंसर शीट आ जाएगी। ये वाला स्टेप केवल 2 दिन के लिए ओपन है। आई रिपीट, वेरिफिकेशन में बच्चों मार्क्स नहीं बढ़ते,
1000 में से एक बच्चों के पढ़ेंगे, सिर्फ एक बच्चे के। आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें आप सीबीएसई से अपनी नोटबुक मंगाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप जिस नोटबुक को मंगाना चाहे मंगा सकते हैं, जिसके लिए आप वेरीफाई करा रहे हैं उसके लिए आपको नोटबुक मंगाने के लिए एलिजिबल है, मंगा सकते हैं आप। नोटबुक आपकी आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर, आपकी नोटबुक आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर नोटबुक मिल जाएगी। उसके बाद आप उस नोटबुक को चेक कराओ, 3-4 दिन आपके पास है, आराम से नोटबुक को चेक कराओ कहाँ कहाँ और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको रीचेक कराना है। इसके पैसे बता दूँ आपको, रिवैल्यूएशन के बाद या रिवैल्यूएशन से पहले आपका जो नोटबुक मंगाने का खर्चा है 12th क्लास के लिए 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का है और 10th क्लास के लिए 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का। क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है क्योंकि उनको अपना 75% वाला नीट IIT के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो अगर आपका क्राइटेरिया एक दो नंबर से फुलफिल नहीं हो पा रहा है या फिर आपके जो परसेंटेज है वो 79.6 हो गई, 80 करना चाहते हैं आप या कुछ ऐसा इशू रहता है, तो आप ये क्राइटेरिया अपना सकते हैं। ये शीट वाला क्राइटेरिया हमारा बहुत सक्सेसफुल है और इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बस ये ज़रूर डिस्कशन कर लेना कि हमारे साथ ही, ऑब्वियसली बात है मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन कराना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराना चाहिए, किस सब्जेक्ट में मार्क्स पढ़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैं आपको कहता हूँ लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। अगर आपके 100 में से इंग्लिश में 56 नंबर आए हैं और आपको लगता है आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, जस्ट गो फॉर इट, उसका वेरिफिकेशन ज़रूर कराओ, उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से डिस्कशन हमारे साथ कर सकते हैं आप लोग। डिस्कशन करने के लिए आपको नंबर मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, +91 8445 201000, ठीक है। आई रिपीट, नंबर मैं ऊपर यहाँ पे भी लिख दूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे किसी को भी, ठीक है। आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है रिजल्ट के रिगार्डिंग हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड भी करेंगे और इवैल्यूएशन की प्रोसेस आप हमारे थ्रू करा सकते हैं, आपको बेस्ट इवैल्यूएटर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि इंश्योर करेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए, ठीक है। सो 2 दिन के लिए आपके पास नोटबुक का ये डे है, ये बहुत क्रूशियल डे है, बहुत लोगों का ये डे छूट जाता है, लोग जागते बहुत लेट है, तो शुरू से हमारे साथ जुड़ जाना ताकि आपको कोई डे ना छूटे और हम लोग आपके साथ बिल्कुल हैं, हर स्टेप को आपका बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे आपको और कैसे करना है सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपकी नोटबुक आ जाएगी आप उसे चेक करेंगे और लास्ट डे आपको इसको क्या करना है, रिवैल्यूएट कराना है। रिवैल्यूएट में आप 100 रुपये पर क्वेश्चन देंगे CBSE को, चेक कर लो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से और आपको लगता है कि हाँ मेरे इस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, मुझे इस क्वेश्चन को रीचेक कराना है, कोई इसमें CBSE एक अच्छे टीचर को रखती है और उस टीचर के थ्रू उसको रिवैल्यूएट कराती है कि बच्चा कह रहा है मेरे इस नंबर, मेरे इस क्वेश्चन में नंबर बढ़ने चाहिए, 2 नंबर आपने दिए, 4 में से 4 मिलने चाहिए क्योंकि इस बुक में इसी जगह पर ऐसा ऐसा रीज़न लिखा है और बच्चे ने भी यही रीज़न मेंशन करा है। मीन्स जो आप रीज़न मेंशन करोगे ना, रीज़न बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका, तभी CBSE मार्क्स बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा। इसलिए अच्छे एक्सपर्ट आपको चाहिए जो आपको एक एक्यूरेट रीज़न दे पाएं कि क्यों इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए और वो एक्सपर्ट आपको मिलेंगे इस नंबर के थ्रू। बहुत बड़ा पैनल हमने ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है जो कि आपको हर सब्जेक्ट में गाइड करेगा कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। आपके फालतू के पैसे खर्च हमें नहीं कराने। अगर आपकी शीट के अंदर कोई स्कोप नहीं है मार्क्स बढ़ने का तो हम आपको ये नहीं कहेंगे सारे क्वेश्चन रीचेक करा लो, लगा दो 2000 रुपये, लगा दो 500 रुपये, लगा दो 700 रुपये, ना, मीन्स ना। सीधी सी बात है, अगर बढ़ेंगे तो बढ़वा देंगे, नहीं बढ़ रहे हैं तो जबरदस्ती आपके पैसे खर्च करवा के कुछ नहीं मिलने वाला हमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा CBSE का, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में आपको पूरी डिटेल, बहुत बढ़िया डिटेल मिलेगी सारी की सारी। इस वीडियो को देख लेना जाके चैनल पे और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यार लेकर आ रहे मटेरियल। जस्ट गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, 1-to-1 क्लासेस आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से फटाफट मार्क्स का इंश्योरेंस करा लो यार, टाइम कम है और काम ज्यादा है। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ।